खिलाड़ी जीतने के बाद मेडल को क्यों काटते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। ओलंपिक खेलों में हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह गोल्ड मेडल जीते। इसके लिए वह कई सालों तक कड़ी मेहनत भी करता है। आपने कभी न कभी ओलंपिक या और किसी गेम में जरूर देखा होगा कि जब कोई उस गेम को जीत जाता है तो जीतने के बाद मिलने वाले मेडल को खिलाड़ी अपने दांत से जरूर काटता है, और ज्यादातर ये काम वो करते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। किसी भी खेल में प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर आने वाले को सिल्वर मेडल और तीसरे नंबर पर आने वाले को कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि ओलंपिक या किसी दूसरे गेम में मिलने वाले मेडल को खिलाड़ी क्यों काटते हैं और इसके पीछे की क्या वजह है। सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियंस के प्रेसिडेंट डेविड पोलनचिस्की ने बताया है कि खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फोटोग्राफर खिलाड़ियों को ऐसा करने के लिए कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1800 के दौर में कैलिफोर्निया में गोल्ड मेडल को काटने का चलन था, क्योंकि उस समय लोग गोल्ड मेडल को काट कर ये देखते थे कि मेडल रियल है या फेक है। ऐसा कहा जाता है कि प्योर गोल्ड से बने मेडल को साल 1912 में अंतिम बार दिया था, लेकिन उसके बाद से प्योर गोल्ड नहीं दिया जाता है। हालांकि एक बार ऐसे ही समय पर एक फोटोग्राफर ने विजेता को ऐसे मेडल को काटते हुए फोटो ले ली थी, जिसके बाद से उस तस्वीर को खूब सराहा गया। ऐसी फोटोज अखबारों और मैगजीन में अलग एंगल से लगती है, जिसे लोग खूब पसंद भी करते हैं, और यही कारण है कि हर फोटोग्राफर के कहने पर खिलाड़ी इस तरह की फोटोज खिंचवाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।